झारखंड सरकार के रवैया के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करेगी। इसको लेकर बुधवार को भाजपा नेताओं ने बेंगाबाद मुख्यालय में बैठक की। बताया गया कि आगामी 8 नवंबर को भाजपा की ओर से बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय में प्रदर्शन किया जाएगा। बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चलाया जाएगा। 7 नवंबर से 12 नवंबर तक पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ बिगुल फूकने का काम किया जाएगा। बैठक में कार्यक्रम की तैयारियों पर चर्चा की गई। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 लक्ष्मण सरकार जिंदाबाद, 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 लाल मरांडी जिंदाबाद, 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 पुन्ना देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी की आज बैठक है बेंगाबाद प्रखंड का। यहाँ बेंगाबाद में दो मंडल है, छोटकी खरडिया और बेंगाबाद, दोनों मंडल की सम्मिलित बैठक है। और हम लोग यहाँ 8 तारीख को 8 नवंबर को वो प्रदर्शन सरकार के विरुद्ध, सरकार के गलत रवैये के विरुद्ध हम लोग एक विशाल प्रदर्शन करेंगे। इसी की तैयारी के दूसरे से पैसा वसूली कर रहा है। और साथ ही साथ क्या है कि सत्ताधारी दल का ये प्रशासन, चाहे थानेदार हो, चाहे BDO हो, चाहे CO हो, सब दलाली करने में लगे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इसको कोई कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। दलाली हम करने नहीं देंगे, इसे ईंट से ईंट बजा देंगे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, लेकिन इसको दलाली हम नहीं करने देंगे। इसीलिए आज इसी तैयारी के लिए हम लोग बैठे हैं। बहुत बड़ी तादाद में 7-8 हजार से 10 हजार लगभग लोग आएंगे और वो ये पूरे बेंगाबाद प्रखंड को घेरेंगे और हम लोग 8 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करेंगे। इसी तैयारी में पूरे प्रदेश में प्रखंड स्तरीय एक दिवसीय आक्रोशपूर्ण धरना और प्रखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि आज जो राज्य सरकार घोषणावीर आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रही है, आज चाहे युवा वर्ग हो, किसान वर्ग हो या गरीब परिवार, जो डीलर है या मैंने जो आप उनके जो पदाधिकारी हैं, वो सब जिस तरह से राशन का कालाबाजारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन सबों के खिलाफ आज पूरे राज्य में, पूरे बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र में जनता में एक आक्रोश है। और इसका हम लोग 8 नवंबर को प्रखंड कार्यालय के समक्ष रोषपूर्ण प्रदर्शन होगा, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, स्थानीय सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी के साथ साथ प्रदेश के अन्य नेता लोग भी उपस्थित रहेंगे। पिछले 54 वर्षों से ग्रिड को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स में इस बार दिवाली में बहुत ही धमाकेदार ऑफर के साथ होगा आपका स्वागत। जी हाँ, यहाँ मात्र 10,000 के होम अप्लायंसेज या फर्नीचर की खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार और साथ में स्क्रैच कूपन के द्वारा इनाम जीतने का सुनहरा मौका। पहला इनाम फ्रिज, दूसरा इनाम वॉशिंग मशीन, तीसरा इनाम वाटर प्योरीफायर या गीजर, चौथा इनाम मिक्सी और 20 कॉन्सोलेशन प्राइज। साथ ही दुनिया की अग्रणी कंपनी लॉयड के उत्पाद की खरीद पर कंज्यूमर दिवाली ऑफर के तहत स्क्रैच करें और निश्चित इनाम पाएं। यह योजना 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक। साथ ही बोनांजा लकी ड्रॉ ऑफर के तहत हर हफ्ते 5 ब्रेजा SUV जीतने का शानदार मौका। वहीं हेवेल्स फेस्टिव कार्निवाल के तहत 23 सितंबर से 31 अक्टूबर 2022 तक स्क्रैच एंड विन एश्योर्ड गिफ्ट, मतलब फायदे ही फायदे। यानी कि आप हेवेल्स, लॉयड, डेमरो, ग्लेन, वीगार्ड के होम अप्लायंसेस की खरीद पर पाएं उपहार ही उपहार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। पता विद्यालक्ष्मी टावर, मकतपुर, गिरिडीह। मकतपुर स्थित बहुत ही आकर्षक मिनी मॉल राज फैशन, अ कंप्लीट फैशन हब में आपका स्वागत है। यहां महिलाओं के आधुनिक व फैंसी कपड़ों के अलावा जूते चप्पल का विशाल संग्रह है। यहाँ युवतियों व महिलाओं के लिए बहुत ही फैंसी जीन्स, टॉप, कुर्ती, स्कर्ट, लहंगा, लॉन्ग फ्रॉक, सरारा सूट, स्ट्रेट पैंट, गाउन, नाइटी वगैरह उपलब्ध है। साथ ही महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए स्पार्क्स, कैंपस, बहामास, लिबर्टी, VKC जैसे ब्रांडेड कंपनियों के जूते, चप्पल व सैंडल का विशाल रेंज उपलब्ध है। अवश्य पधारें। हमारा पता संतोषी माता मंदिर के बगल में, मकतपुर, गिरिडीह।